दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में और ये स्मार्टफोन आपको काफी एडवांस फीचर के साथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग भी काफी कम रहने वाली है क्योंकि हमें गैलेक्सी A51 की प्राइसिंग काफी बढ़िया देखने को मिली थी जबकि गैलेक्सी A51 में फीचर को लेकर काफी कमी थी, बट फिर भी लोगों ने इसे अपना जो है काफी प्यार दिया क्योंकि भाई गैलेक्सी A51 की डिस्प्ले की क्वालिटी हमें काफी जबरदस्त देखने को मिली थी जो कि देखने में काफी नेक्स्ट लेवल का स्मार्टफोन लगता है। और बैटरी भी गैलेक्सी A51 में हमें काफी अच्छा देखने को मिला था जिस वजह से लोगों ने गैलेक्सी A51 को जो है खूब पसंद किया। और अब सैमसंग गैलेक्सी A51 को सक्सेस को देखते हुए अपना सैमसंग गैलेक्सी A52 को लॉन्च करने वाला है जो कि इस बार आप लोगों को गैलेक्सी A51 से भी काफी बढ़िया स्पेक के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है सैमसंग के न्यू स्मार्टफोन गैलेक्सी A52 में आपको क्या क्या स्पेक देखने को मिलेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करना क्योंकि आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में डिटेल में और साथ ही में बात करेंगे इस फोन के प्राइसिंग और इंडिया रिलीज डेट के बारे में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के गेमिंग प्रोसेसर के बारे में क्योंकि इस फोन में हमें जो गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है वो काफी बड़े मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी बढ़िया प्रोसेसर है, तो आपको गेमिंग वगैरह खेलने में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और ये प्रोसेसर 5G टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो ये बात तो काफी बढ़िया हो जाती है कि ये फोन जो है 5G टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वहीं पर बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले भी इस फोन में आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। इस फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि इन्फिनिटी O डिस्प्ले के साथ आएगा, तो डिस्प्ले की क्वालिटी इस फोन में आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में तो इस फोन के अंदर आपको जो है क्वाड रियर कैमरा मिलने वाला है जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर जो है देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा भी इस फोन में आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। बात करते हैं रैम वेरिएंट के बारे में तो इस फोन में आपको 2 रैम वेरिएंट मिलने वाले हैं, 6GB रैम और 8GB रैम। बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में तो इस फोन के अंदर आपको जो है 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, तो बैटरी भी इस फोन में आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आने वाला है जो कि बनी यूआई पर रन करेगा। दोस्तों देखा जाए तो सभी स्पेसिफिकेशन इस फोन में आपको काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं। इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ऊपर से इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। तो ओवरऑल इस फोन में आपको सभी फीचर काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इस फोन की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। इस फोन की प्राइसिंग आपको 25 से 30 हजार के बजट में ही देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर आता है तो ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। तो दोस्तों यही था सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। और आपको ये फोन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना क्योंकि आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।